नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 का फेज टू फिलहाल अपने समाप्ति की तरफ आ चुका है, जहां पर लीग स्टेज के अब कुछ ही मैचेस बचे हुए। लेकिन लीग स्टेज के मैचेस की समाप्ति से जस्ट पहले बीसीसीआई के मन में एक खुराफाती आइडिया है, जिसके चलते बीसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। और भाई 8 अक्टूबर को जो डबल हेडर होने वाले थे उनकी टाइमिंग में यहां पर अचानक से बड़ा बदलाव हुआ, और साथ ही साथ लाइव टेलीकास्टिंग में भी बड़ा बदलाव यहां पर बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली किया है, जहां बीसीसीआई ने ऐसा कहा कि भाई 8 अक्टूबर को जो डबल हेडर मैचेस होने वाले हैं, दोनों के दोनों मैच हमें सेम टाइम पर भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से ही शुरू होने वाले हैं। लाइव टेलीकास्टिंग की डिटेल्स भी यहां पर प्रोवाइड की गई है, पूरी तरह से लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स बदल चुकी है। अलग अलग चैनल्स पर हमें दोनों मैच लाइव देखने को मिलने वाले हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बीसीसीआई ने यह बड़ा डिसीजन लिया, और भाई साथ ही साथ किन किन टीवी चैनल्स पर हमें कौन कौन सा मुकाबला लाइव देखने को मिलने वाला है, यानी सिनेरियो का पूरा जो एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते कि आखिर क्यों बीसीसीआई ने यह बड़ा डिसीजन लिया कि भाई एक ही टाइम पर हमें आईपीएल के 2 मैच लाइव देखने को मिले। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2022 को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने यह एक एक्सपेरिमेंट किया है स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलकर। यह एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर यहां पर सेम टाइम पर 2 मैच चलते तो उसे व्यूअरशिप पर क्या फर्क पड़ता है। जी, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें भी आने वाली, जिसके चलते नंबर ऑफ मैचेस भी यहां पर बढ़ेंगे, हमें 74 या फिर 94 मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में यहां पर बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि भाई अगर सेम टाइम पर 2 मैच हो तो उससे बीसीसीआई को बेनिफिट होगा, टाइम भी यहां पर बचेगा, और भाई जल्दी से आईपीएल थोड़ा समाप्ति की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे तो यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो रियल आईपीएल फैंस है वो कहीं ना कहीं मैचों को जरूर मिस करने वाले हैं। लेकिन भाई यह बड़ा डिसीजन केवल इसी रीजन से लिया गया है। लेकिन यहां पर जो अलग अलग लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स है वो भी यहां पर दोनों मैचों के लिए बीसीसीआई ने जारी कर दी, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमपीएल के बारे में, क्योंकि यहां पर अपने सब्सक्राइबर्स रोजाना जीत रहे हैं आईफोन 12, और इसके अलावा फैंटेसी टीम बनाकर आप यहां पर जीत सकते हैं रोजाना लाखों रुपए। इस ऐप के काफी सारे की फीचर्स है, सबसे सेफ ऐप है, 100% ट्रस्टेड ऐप है, सबसे कम मार्जिन ये रखते हैं, और भाई यहां पर सबसे आसान टीम बनाना होता है, यहां पर बिल्कुल रियल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, और भाई सबसे बड़ी बात आपको यहां पर टीम बनाने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या फिर इनके जो एक्सपर्ट्स है दीप दास गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स है जो आपको टीम बनाकर देंगे। और आज के महामुकाबले के लिए जो हमारी टीम है उसको भी आप सभी लोग साइड में देख पा रहे होंगे, भाई हम तो यही टीम से खेलने वाले हैं। आप भी जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों मैचों की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 8 अक्टूबर को जो डबल हेडर होने वाला है उनमें एक महामुकाबला हमें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में देखने को मिलेगा। मैच काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो फ्यूचर वो इसी मैच पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका है। वही दूसरा महामुकाबला हमें यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिलेगा, सेम टाइम पर भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से दोनों के दोनों महामुकाबले शुरू होने वाले हैं। लेकिन यहां पर लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स ब्रॉडकास्टिंग डिटेल्स यहां पर ऑफिशियली जारी कर ये जो दोनों मैच होने वाले हैं कुल 14 चैनल्स पर हमें लाइव देखने को मिलेंगे। जी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच होने वाला है वह महामुकाबला हमें स्टार स्पोर्ट्स 1 के जितने भी चैनल हो, चाहे वो आपका स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हो, चाहे वो स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी हो, चाहे वो सेलेक्ट 1 हो, कुल 9 चैनल्स है जिनको आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन 9 चैनल्स पर लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। वही जो दूसरा मैच हमें टीम सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिलने वाला है वो स्टार स्पोर्ट्स के बचे हुए 5 या 6 चैनल्स उनके ऊपर लाइव देखने को मिलेगा, जहां पर आपके स्टार स्पोर्ट्स 2 भी है, स्टार स्पोर्ट्स 3 भी है, स्टार स्पोर्ट्स 1 भी है, स्टार गोल्ड 2 भी यहां पर होने वाला है। तो भाई कुछ ऐसा यहां पर एक नया सिनेरियो बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के लीग स्टेज के मैचेस को एंड करने के लिए तैयार किया है, बीसीसीआई का यह आइडिया। आपको कैसा लगा भाई? मेरे को तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई मैं यहां पर एक मैच को जरूर मिस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आईपीएल का हर मैच बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एंजॉय करूं, लेकिन भाई मैं यहां पर डेफिनेटली मिस करूंगा एक मैच को। लेकिन दोस्तों इस आईडिया के ऊपर, बीसीसीआई के इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।